दसको मैं शमशेर भगत देख रहे हो RT1 तो इस वक्त असं अंबूजा सीमेंट फैक्ट्री दबुरजी विखे पहुंचे हुए हैं। बहुत ही वधिया गल है कि अजक सानू काम के नाल सेहत भी बहुत जरूरी है क्योंकि अज सेहत साड़ी जिहड़ी है दिन पर दिन खराब होंदे जा रही है, जिन्हों देखते हुए अडानी ग्रुप सीमेंट वालों अज इत्थे एक क्रिकेट टूरनामेंट कराया गया जिहड़ा कि इंपलाइज वालों ही किया गया। सारा यह सारा टूरनामेंट की होया गलबात करदे सैक्शन साहब नाल, सर अज का जिहड़ा टूरनामेंट है पहले इहदे बारे जरा ब्रीफ करियो। ये 10 तारीख को हमने शुरू किया था और 13 तारीख तक आज समापन हो रहा है। कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, इसमें जो इम्प्लाइज है और जो हमारे वेज बोर्ड के इम्प्लाइज है दोनों को हमने शामिल किया था और हमने हर यूनिट पे पहले आपस में एक कंपटीशन कराया था, वहां से हर यूनिट या प्लांट की टीम चुनी थी जिसमें एक 7 दिन की एक्सरसाइज लगी थी, वहां से ये टीमें चुन के अपना अपना मैच लीग मैच खेलने आई थी। 10 तारीख को लीग मैच स्टार्ट हुए थे और 12 तारीख को सेमीफाइनल हुआ था। तो अब जो सेमीफाइनल में टीमें जीत के आई वो आज सेम फाइनल खेल रही है। 16-16 ओवर का मैच है, ये दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं, मजबूत टीमें हैं और इन टीमों में हम लोगों को सरफेस 15 खिलाड़ी चुनने हैं जो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाने, तो आज ये प्रिंसिपल से हम अच्छे टैलेंट को ढूंढ पाएंगे और अच्छे लोगों के साथ हम ऐसी टीम तैयार करेंगे जो हम स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल सके। सर एक बात और है, जैसे आप ये जो खिलाड़ी है सारे क्या अपने प्राइज है? नहीं, मैं इसमें एम्प्लॉइज भी हैं, वेज बोर्ड के लोग भी हैं, जो हमारे साथ लैंड यूजर थे उनको हमने अपने एम्प्लॉइज बना लिया था लेकिन वो वेज बोर्ड के एम्प्लॉइज खिलाते हैं, वो भी खेल रहे हैं। ऐसा ये नहीं है कि खाली मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज है, सभी लोग खेल रहे हैं। तो अंबुजा के भी है, अंबुजा के बहुत लोग हैं और ACC के भी हैं क्योंकि अब अडानी एक हो गया है जिसने ACC अंबुजा दोनों को ले लिया है, तो ये मैच जो है अडानी अंबुजा ACC अंबुजा दोनों के लिए कराया जा रहा है। इसलिए अब जो लोग हैं वो अलग अलग प्लांट में, जैसे अंबुजा अगर किसी प्लांट में है तो अंबुजा की टीम वो कहलाती है और जो उसकी ACC की टीम है ACC कहलाती है, लेकिन मैच दोनों के बीच में किसी के बीच में भी कभी भी हो सकता है। आज तो लक्की बात है कि ACC और अंबुजा के बीच में हो रहा है, ऐसा भी हो सकता था कि दोनों अंबुजा की टीम खेल रही होती, ये तो प्रोसेस हुआ हो सकता होता था। जैसे टैलेंट जिसको आप कहते हैं, टैलेंट या तो स्कूल के वक्त दिखाई देता था, उसके बाद हम कामों में चले गए तो उसके बाद टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन पहली बार उपराला किया गया ये। इसमें क्या है, 10 साल बाद ये टूर्नामेंट हमारा हुआ है, पहले होता था अंबुजा ACC में होता था, बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, पर मैंने देखा कि भावना जो है, मैं जब उनको काम में देखता था तो उनमें कई पॉजिटिवनेस कम नजर आती थी, कई बार देखता था कि इनमें कोई कर सकने की वो ख्वाहिश खत्म हो गई है, तो मेरे को लगा कि सबसे अच्छा माध्यम स्पोर्ट्स है, एक बार इनको स्पोर्ट्स में एक्सेलरेट कराते हैं, एक बार ये स्पोर्ट्स में जब जी जान से खेलेंगे निश्चित रूप से जब हम उन्हें कुछ और काम के लिए कहेंगे तो उतनी स्पर्धा आएगी। ये इन खिलाड़ियों को मैं देखिए, जो 32 लोग हैं, 3200 एम्प्लॉय इनको वॉच कर रहे हैं, तो हमने इस स्पर्धा से करके कितने एम्प्लॉयों को कहना चाहिए जागृत किया है, ये इस टूर्नामेंट का रियल लक्ष्य रहेगा। ऐसे लगता है जैसे आज सेहत के ऊपर जैसे चलता है तो पता लगा कि आपके जो एम्प्लॉय थे उनमें अच्छा वो भी टैलेंट अभी तक है। जी अभी बहुत टैलेंट है, इन लोगों को निखारना चाहिए और मैं सोचता हूँ किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्पोर्ट बहुत ज्यादा कराएं, कल्चरल प्रोग्राम बहुत ज्यादा कराएं, फैमिलीज का एंगेजमेंट करें, बच्चों का एंगेजमेंट करें, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट करें। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस भी कंपनी में भी उभरेगी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज होता है। साहब हम जिस कंपनी में काम करते हैं अगर हमारा उस कंपनी में काम करने का मन नहीं तो मतलब ही नहीं है, उस कंपनी का ना तो आउटपुट आएगा ना उस एम्प्लॉय का कंपनी में वो होगा। बेहतर ये है कि इनको जोड़ें और इनके अंदर ओनरशिप लाएं, ये कंपनी आपकी है, ये आपका ही गेम है, आप जीतिए और आगे बढ़िए, ये हमारी बात बहुत धन्यवाद आ रही है। ये सही गल है कि खेडा साडी सेहत लिए बहुत जरूरी है, अज जो असीं नशियां दी गल जांदे जा रहे हैं तो असीं नशियां नूं तां ही खल पा सकदे हां जे सानूं गेमां वल साडा ध्यान जाएगा। अंबुजा अडानी दा जिहड़ा उपराला है बहुत ही वधिया लग्या क्योंकि स्कूलों तों बाद पढ़ाई तों बाद कोर्सिस तों बाद असीं लोग अपने अपने कित्तिआं दे विच चल जांदे हां लेकिन जिहड़े अपने हुनर हुंदे आ खेल खेडां हुंदियां उहनूं भुल जांदे आ। अंबुजा दा जिहड़ा उपराला जिहड़ा अडानी बानी जिहड़ा इन्हां ने उपराला कीता है, अज सारे इंप्लाइज नूं इत्थे इकट्ठे करके टूर्नामेंट कराया, बहुत वधिया, धन्नवाद।